राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच असंतोष और असमंजस की अफवाहों को लेकर वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी साझा नेतृत्व में विश्वास करती है और राजस्थान में व्यक्तिगत जिम्मेदारियां पार्टी को वापस सत्ता में लौटाने के बाद तय की जाएगी। ANI से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साझा नेतृत्व में विश्वास करते हैं। हम संघर्ष करेंगे, बहुमत प्राप्त करने के बाद हमारे विधायक पार्टी तय करेगी कि जिम्मेदारियां किसे क्या सौंपी जाए। अगर किसी को प्रणाली से कोई समस्या है तो उसे बातचीत करनी चाहिए और चीज़ें सुलझा लेनी चाहिए। हमारी पार्टी की परंपरा नीति हमेशा से यही रही है। उनकी पार्टी यहाँ पर बार बार हिट विकेट हो रही है। दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि वो अपने अंदर झांकें और देखें कि देश के लिए 10 साल में उन्होंने क्या किया, राजस्थान में आपने क्या प्रस्तुत किया है, आपका एजेंडा क्या है। यहाँ राजस्थान में हम पहले से बहुत अधिक बहुमत लेकर के सरकार बनाएंगे। देखो, उनकी पार्टी जो प्रदेश में यहाँ पर है वो लगातार बार बार हिट विकेट हो रही है, तो रनआउट को तो वो छोड़ दें, हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। और औरों पे आरोप लगाने की बजाय, उंगली उठाने की बजाय बेहतर यह था कि अपने अंदर झांकें और देखें कि 10 साल में हमने क्या किया देश के लिए, राजस्थान में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, और आपने 5 साल तक किया क्या एज ऑपोजिशन पार्टी, आपने क्या लोगों के बीच में उनकी जनता की आवाज बनने की कोशिश भी की है। और आज जो ये लोगों में जो रुचि नहीं है भाजपा के प्रचार को लेकर, उस बात का परिणाम है कि उन्होंने कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं है और अभी भी कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के प्रचार को लोग पसंद कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। लेकिन ये भी सवाल खड़े किया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महिला उत्पीड़न में यहाँ सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ FIR कंपलसरी कराती है। हम बाकी प्रदेशों की तरह अपने आंकड़े दबाना चाहेंगे संभव था, लेकिन जो हाल प्रदेश में है, यूपी में है, छुपा है किसी से, लेकिन करेंगे। मैं तो कहता हूँ कोई भी दुष्कर्म या अत्याचार एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की गिनती होती है कि आपने उसके बाद एक्शन क्या लिया और कितना जल्दी मुजरिमों को सजा दिलवाई, उसमें हम कहीं पीछे नहीं है। इसलिए लॉकडाउन इशू है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तत्परता से कार्रवाई करी है। लेकिन इसको बजाय पोलिटिसाइज करने के, इस पर अपना कोई विजन रखें ना, बीजेपी क्या करना चाहती है, और जो इनकी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ की आंकड़े बताएं ना दिन जनता को जाके कि ये रिपोर्ट करने लगी है। राकेश सवाल, कितने आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें इस पर आ सकती है राजस्थान में? मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है, जहां वोट पड़ चुके हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे सरकार हमारी बनेगी। और 25 तारीख को यहां वोटिंग है राजस्थान में, यहां पहले से ज्यादा बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। सचिन पायलट ने कहा कि अगर राजस्थान जनता दोबारा कांग्रेस की सरकार बनवाती है तो हम मेज पर बैठकर तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। इस प्रक्रिया का पालन 2018 में किया गया था और इस साल भी यही दोहराया जाएगा। हालांकि हमारी प्राथमिकता है कि हम बहुमत प्राप्त करें। पायलट ने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने दूसरी टीमों को हराया, हमारा प्रदर्शन अब तक किसी अन्य प्रतिद्वंदी से बेहतर रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ टोंक में भी मुझे ये महसूस हो रहा है कि लोग हमें राजस्थान में वापस जिताने में मदद करेंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।